नमस्कार साथियों, छोटे से वीडियो में आपका स्वागत है। और इसमें हम आज बात करने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से। जैसे कि आपने सुना होगा कि कॉन्टिनेंट जो भी हैं आपके सात हैं, और सात के बाद उसमें हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप का आपने नाम सुना होगा, और जैसा कि अफ्रीका महाद्वीप में आपने सुना है कि एक प्रकार का रेगिस्तान पाया जाता है, डिजर्ट पाया जाता है, उसको बोलते हैं सहारा रेगिस्तान या सहारा डिजर्ट के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? सहारा। आपको बता दें, रेगिस्तान दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, और मुख्यतः दो प्रकार के रेगिस्तान होते हैं। उनका नाम हम बताते हैं, एक बोलते हैं, एक हमें कह सकते हैं कि एक गर्म रेगिस्तान होता है, एक ठंडा रेगिस्तान। दो प्रकार के रेगिस्तान होता है, एक ठंडा और एक गर्म। तो ठंडा रेगिस्तान हम उसको कहते हैं जो आर्कटिक या अंटार्कटिक क्षेत्र में जो बर्फ जमा होता है उनपे, और गर्म होता है जो इक्वेटोरियल, हम कह सकते हैं कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो रेगिस्तान पाए जाते हैं उसको हम गर्म रेगिस्तान बोलते हैं। गर्म रेगिस्तान की विशेषता यह होती है, हमें कह सकते हैं, या ठंडे रेगिस्तान की विशेषता यह होती है कि जहां औसतन कम, मतलब आवश्यकता, मतलब कहा जाता है कि पानी की मात्रा न्यूनतम रहे, वो रेगिस्तान हो जाता है, वहां पर कुछ उगता नहीं है। तो आपको बताएं कि अफ्रीका महाद्वीप में हम कहेंगे कि जो डेजर्ट है सहारा, उसमें कितने देश आते हैं। हमें कहेंगे कि उसमें जो भी सहारा रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान के आसपास या इससे लगे हुए कौन कौन से देश हैं। तो आपको बता दें, अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान है यह विश्व का सहारा या विश्व का गर्म रेगिस्तान में सबसे बड़ा रेगिस्तान है। मतलब कहा जाएगा कि गर्म रेगिस्तान में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? सहारा रेगिस्तान है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहा जाता है इसको। तो यह 11 देश इससे जुड़े हुए हैं। सहारा रेगिस्तान है, इससे 11 देश जुड़े हुए हैं, और 11 देश जो अफ्रीका के 11 देश है, इसका नाम हम ले लेते हैं आपके सामने। मॉरिटानिया है, मोरक्को है, माले है, लीबिया है, चाड है, नाइजर है, वेस्टर्न अफ्रीका है, और अल्जीरिया है, सूडान है, ट्यूनिशिया है, और इजिप्ट है। हमने कितने देश का नाम लिया? 11 देश का नाम लिया। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। क्या क्या? देखिएगा, MM MLCN वेस्ट, WASTE, MMM, MM कर लीजिएगा, MLCN, उसके बाद से वेस्ट, WASTE। तो हमने क्या नाम लिया? M से ले लिया मॉरिटानिया, M से हो जाएगा मोरक्को, फिर M से हो जाएगा माले, 3 हो गया, L से हो जाएगा लीबिया, सी से हो जाएगा चाड, एन से हो जाएगा नाइजर, डब्ल्यू से हो जाएगा वेस्टर्न अफ्रीका, ए से हो जाएगा अल्जीरिया, एस से हो जाएगा सूडान, टी से हो जाएगा ट्यूनिशिया, ई से हो जाएगा आपका इजिप्ट। तो हमने कुल 11 देशों का नाम लिया, 11 देशों का नाम लिया जो सहारा रेगिस्तान से जुड़े हुए हैं। तो हमने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया। किसी भी वनडे एग्जामिनेशन में आपके लिए यह कारगर हो सकता है सिद्ध, और हमें कह सकते हैं कि यूपीएससी को छोड़ करके, हमें कह सकते हैं यूपीएससी में आप प्रीलिम में भी पूछा जा सकता है, मतलब प्री में भी पूछा जा सकता है, उसमें उसको छोड़ करके, हमें कह सकते हैं मेंस वगैरह में छोड़कर, आंसर राइटिंग में छोड़ करके, आप किसी भी एग्जामिनेशन में सारी चीजें पूछी जा सकती है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। छोटा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।